बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खेल मंजर के साथ मैं हूं मंजर नकवी। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी T20 सीरीज की, जिसमें पाकिस्तान अपना चौथा मैच भी हार गया और यू कीवीज को अब सिर्फ एक मैच दरकार है चाइनियों को क्लीन स्वीप करने के लिए। क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले बैटिंग दी, लेकिन सिवाय मोहम्मद रिजवान के कोई और बैटर जमकर ना खेल सका। मोहम्मद रिजवान ने 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 90 रन बनाए। मोहम्मद नवाज 21 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 158 रन स्कोर किए। मैट हेनरी और ल्यूकी फर्गुसन ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। अब जवाब में न्यूजीलैंड टीम का आगाज तबाहकुन रहा। सिर्फ 20 रन पर 3 खिलाड़ी पवेलियन चले गए। फिलिप्स और मिचेल ने शानदार और जारहाना बैटिंग से पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन तबाह कर दी। डेरल मिचेल ने 44 गेंदों पर 72 और फिलिप्स ने 52 गेंदों पर 70 रन बनाए और 139 रन की नाकाबले शिकस्त पार्टनरशिप के जरिए न्यूजीलैंड को 7 विकेट से फतह दिला दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का आखिरी T20 इतवार को खेला जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज के हवाले से बात करेंगे कि सीरीज के तीसरे T20 में डीजे मैदान पर मौजूद। डीजे ने पाकिस्तानी बैटर आजम खान के साथ हाथ दिखा दिया। वो यूं कि जब आजम खान बैटिंग के लिए मैदान में आए तो डीजे ने WWE के मारूफ रेसलर बिग शो की एंट्री का म्यूजिक चला दिया। अब आजम खान का आपको पता है कि वो डील डोल में एक अखाड़े के खिलाड़ी लगते हैं। दिलचस्प बात यह कि मैदान में मौजूद पाकिस्तानी तमाशाई इस हरकत का बुरा मान गए और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से क्रिकेट न्यूजीलैंड से एहतजाज करने का कहा है। गजब बेइज्जती है, अपना सर बचाएं। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि क्रिकेट न्यूजीलैंड ने अपने तमाशाइयों से कहा है, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी T20 सीरीज में छक्के बहुत लग रहे हैं। इस वजह से उन्होंने कहा कि मैच पे तवज्जो रखें और सामने मैदान में देखते रहे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई छक्का मारे और गेंद आपके सर पर आके लग जाए। तीसरे T20 में ऐसा हो भी चुका है। बाबर आजम ने शॉट लगाया और गेंद एक तमाशाई के सर पर लगी, जिस पर बाबर आजम ने अफसोस के सबब अपने सर पर हाथ भी रख लिया था। जबकि उसी मैच में कीवी ओपनर फिन एलन ने रिकॉर्ड 16 छक्के लगाए थे। इसीलिए क्रिकेट न्यूजीलैंड ने कहा है कि तमाशाई होशियार रहें, खबरदार रहें, उनकी तवज्जो किसी और तरफ हो और गेंद उनके जिस्म या सर पर लग जाए। मिकी आर्थर, ग्रांट बैडमैन और एंड्रयू पिटिक, जी हाँ, इन तीनों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपना ताल्लुक खत्म कर लिया। ये तीनों पिछले साल भारत में खेले गए क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मुंसलिक थे। मिकी आर्थर ने बतौर टीम डायरेक्टर, ग्रांट बैडमैन ने बतौर हेड कोच और एंड्रयू पिटिक ने बतौर बैटिंग कोच अपने फराइज निभाए। बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल ने तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद अपनी राहें जुदा कर ली थी। मेगा इवेंट में बुरी तरह हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिकी आर्थर, बैडमैन और पिटिक को क्रिकेट टीम से हटाकर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में काम करने के लिए भेज दिया था, मगर एक एक करके ये अफराद PCB को छोड़ गए और अब इन तीनों ने बाकायदा अपने इस्तीफे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पेश कर दिए। जबकि मिकी आर्थर ने एक पोस्ट भी डाली है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि PCB के साथ काम करना अच्छा लगा। आखिर में उन्होंने ये भी कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद। बात कर लेंगे NOCs की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिलाआखिर अपने बेशतर खिलाड़ियों को 2 गैर मुल्की लीग खेलने के लिए NOC जारी कर दिए हैं। काफी दिनों से मामला खटाई में पड़ा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग और मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली ILT20 लीग में मुआहदे कर रखे थे, मगर PCB NOC जारी नहीं कर रहा था। असल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुल्क में एक T10 लीग कराने का ख्वाहिशमंद है और वो चाहता था कि तमाम खिलाड़ी ये लीग खेलें। इस वजह से वो NOC देने में शशोपंच का शिकार था, मगर T10 लीग इवेंट कुछ डामाडोल था, इसीलिए PCB ने क्रिकेटर्स को NOC दे ही दिए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शुएब मलिक, फहीम अशरफ, उस्मान खादर, अब्दुल्ला शफीक, हुनैन शाह, आकिब जावेद, सलमान इरशाद, वसीम जूनियर, इमरान जूनियर और कुजदिल शाह को खेलने की इजाजत मिली है। ILT20 में 6 खिलाड़ी को NOC दिए गए हैं, जबकि इंजरी का शिकार होने वाले फास्ट बॉलर नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन और एहसान उल्ला को NOC नहीं मिले, जबकि 2 गैर मुल्की लीग खेलने वाले चंद खिलाड़ी भी अभी तक NOC मिलने से महरूम है। इनमें जमान खान, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद और नौजवान साहिब अयूब शामिल हैं। और बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की। पाकिस्तान सुपर लीग 9 का
थीम सॉन्ग कौन गाएगा, इस बात का अभी तक फैसला नहीं हो सका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्रेंचाइजीज को बताया था कि वो मारूफ गुलकार अली जफर से इस बार पीएसएल का थीम सॉन्ग गवाने के ख्वाहिशमंद है, लेकिन फ्रेंचाइज ने यह कहकर मना कर दिया कि अली जफर पर केस चल रहा है, इसीलिए वो किसी तनाजे में ना पड़े। और दूसरे ये कि पीएसएल अब दुनिया भर में मकबूल हो चुका है, इसलिए अली जफर को गाने के लिए ना कहें। जराय का कहना है कि पीसीबी अब किसी और सिंगर की तलाश में है, देखें कुरए फाल किसके नाम निकलता है। अली जफर ने पीएसएल के इब्तदाई दो एडिशन के सॉन्ग गाए थे और पिछले साल भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप का अनऑफिशियल सॉन्ग भी गाया था और उस सॉन्ग को बहुत पजीराई मिली थी। क्रिकेट के मैदान से अब चलते हैं हॉकी के मैदान की जानिब, जहां पाकिस्तान ने ओलंपिक क्वालिफायर के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पाकिस्तान हॉकी टीम इस साल जुलाई में होने वाले ओलंपिक के हॉकी इवेंट में क्वालिफाई करने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश के नतीजे में उसने ओमान में जारी ओलंपिक क्वालिफायर के सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली। ग्रुप ए में शामिल पाकिस्तानी टीम ने 4 पॉइंट हासिल की और दूसरे नंबर पर रहने के सबब आखिरी 4 टीमों में पहुंच गई है। पाकिस्तान का मुकाबला जर्मनी से सेमीफाइनल में होगा। पाकिस्तान को ओलंपिक तक पहुंचने के लिए टॉप 3 में लाजमन आना है। और हॉकी के मैदान से आपको लेके चलेंगे फुटबॉल के मैदान की तरफ, जहां लियोनेल मेसी के मद्दाहों को खबर दें कि लियोनेल मेसी ने 3rd मर्तबा फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। इस अवार्ड के जारी होने के बाद ये तीसरा मौका है जब मेसी ने ये एजाज जीता। उनके मुकाबले पर मैनचेस्टर सिटी से ताल्लुक रखने वाले नॉर्वे के एर्लिंग हॉलैंड और पेरिस सेंट जर्मन क्लब में मौजूद फ्रांस के किलियान एम्बापे भी थे, मगर मेसी ने इन दोनों को शिकस्त दे दी। इस अवार्ड की दिलचस्प बात यह थी कि मेसी और हॉलैंड के पॉइंट बराबर बराबर यानी 48-48 थे, मगर मेसी को दीगर मुल्कों की टीमों के कप्तानों की ज्यादा चॉइस होने के सबब फाते करार दिया गया। ये था हमारा स्पोर्ट्स राउंडअप, और जाने से पहले हम अपने नाज़रीन से एक सवाल करना चाहेंगे कि पाकिस्तान टीम की T20 में परफॉर्मेंस आप लोग देख ही रहे हैं, और जून में वर्ल्ड कप है T20 वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में खेला जाएगा, तो हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि इन 6 खिलाड़ियों जिनके हम नाम लेने लगे, इनमें से कौन से 2 खिलाड़ी आप टीम में वापस देखना चाहते हैं। इनमें इमाद वसीम, उमर अकमल, अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर, शुएब मलिक और अनवर अली शामिल हैं। तो ये था नाज़रीन हमारा आपसे सवाल कि कौन से 2 खिलाड़ी आप कौमी क्रिकेट टीम में वापस चाहते हैं वर्ल्ड कप T20 के लिए। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले स्पोर्ट्स राउंडअप तक के लिए मंजर नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।